छोड़ो यार, आप बुरा है, छोड़ो छोड़ो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, बुझे रे भैया, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप, आई होप के सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है जी आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं जी हिंदू शादी। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान में जो है ना आम तौर पर हिंदू शादी जो है वो रात के वक्त होती है, मतलब कि हिंदू शादी की रस्म और रिवाज जो है वो ज्यादा रात के वक्त में किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये शायद के वाहिद एक ऐसी शादी होगी जिस जो के डे टाइम में हो रही है, दिन के औकात में हो रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा जी दिन के वक्त जो है हिंदू शादी में क्या क्या रस्म और रिवाज होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना, ठीक है। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं जी बारात आ चुकी है और काफी बैंड बाजा भी साथ लेके आए हैं बाराती है, और झूमर वगैरह खेल रहे हैं। ये देख लें जी, ये जो है ना बारात के साथ आने वाले मेहमान हैं और ये दूल्हे के मतलब के रिलेटिव हैं, ठीक है। उसके कुछ एक अब्बू है उनके और बाकी चाचू और मामू वगैरह बाकी रिलेटिव्स जो बड़े बड़े हैं ना वो भी मतलब खुशी का इजहार करते हुए झूमर लगा रहे हैं। आप देख लें जी डांस कुछ इस तरह की होती है पाकिस्तान में, ठीक है। और ये बैंड बाजा है जी। बारात पहुंच चुकी है और अभी ये थोड़ा सा अपना शुगल मेला करेंगे और शुगल मेला करने के बाद इनको बिठा दिया जाएगा और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर में बाकी रस्में भी परफॉर्म करेंगे शादी की, ठीक है। अभी जो है ये झूमर वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। ये देख लें, तो ये दूल्हे राजा हैं जी, देख लें पैसे वार रहे हैं इनके ऊपर से, ठीक है। जो बाराती हैं उनके ऊपर पैसे वार वार के ये दे रहे हैं उनको, ढोल बैंड बाजे वाले को, ठीक है। ये देखेंगे, तो फ्रेंड्स ये देख लें जी, ये जिन्होंने अजरक ली हुए ना ये वाले ये दूल्हे के अब्बू हैं जी, ठीक है। ये देखें और बाकी लोग भी देखें झूमर लगा रहे हैं और बच्चे बड़े सभी मतलब के खुशी में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स आते ही बारात ने जो अपनी रस्म करनी थी मतलब कि झूमर वगैरह शुगल मेला जो कुछ लगाना था वो कर लिया और उसके बाद देख लें जी अभी बारात को इधर बिठा दिया गया, ठीक है। चार पाइयाँ लगाई हुई थी और ऊपर छाँव के लिए ये पर्दा लगाया हुआ था, ठीक है। तो अभी ये कुछ चार पाइयाँ खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि कुछ रिश्तेदार जो हैं अभी आ रहे हैं और बाकियों को ये बिठा दिया गया। ये देख लें जी, ठीक है। ये बारात के लोग हैं जो गेस्ट आए हैं बारात के साथ और ये दूल्हे राजा हैं जी, दूल्हे को इधर बिठाया हुआ है, ठीक है। एक साइड में चारपाई लगाई हुई है और उधर जो है दूल्हे राजा को बिठाया हुआ है, ठीक है। और बारात जो है अपने साथ कुछ सामान भी लेके आई है, ठीक है। ये देख लें जी, ये वो सामान है जिसमें के मतलब वरी है दुल्हन की और बाकी जो कुछ बिद वगैरह है वो खाने के लिए ना कुछ मिठाई वगैरह ले के आते हैं वो वाली है, ठीक है। और ये देख लें जी, तो फ्रेंड्स ये हिंदू विलेज है और हिंदू विलेज में शादी है। ये देखें जी अभी आ गए हैं हम घर की तरफ, दुल्हन के घर। ये देखें चावरी की तैयारियां हो रही हैं, मतलब कि हवन कुंड जिसके गिर्द इन्होंने राउंड फेरे लेने हैं ना, ठीक है। जिसके गिर्द शादी के फेरे होंगे तो वो वाली जो जगह है उसकी तैयारी अभी हो रही है। ये देख लें पंडित साहब पहले से उधर आए हुए हैं और वो जो है ना तैयारी कर रहे हैं जी हवन कुंड की, ठीक है। जैसे ही हवन कुंड तैयार हो जाएगा बाकी रस्में परफॉर्म हो जाएंगी, उसके बाद जी दूल्हा और दुल्हन इधर सात फेरे लेंगे और सात बंधन होते हैं जो के ये देखें जी हवन कुंड है और उसके गिर्द जो है ना चार लकड़ियां गाड़ी गई हैं, ठीक है। ये स्पेशल किस्म की लकड़ियां होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कलर की हुई हैं। और बाकी ये देख लें जी इसकी सजावट वगैरह कुछ इस तरह से की हुई है, ठीक है। ये सजावट है इसकी, ये देख लें लड़ियाँ वगैरह। और बाकी जो है ना दुल्हन के घर वाले लोग हैं वो इसकी सजावट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हवन कुंड तैयार होता है फिर हम इधर आते हैं। तो अभी ये देख लें फ्लावर्स वगैरह और दरमियान में ना आटा गूंद के ना उसमें घी वगैरह डाल के वो रखा हुआ है जिससे दीपक जलाएंगे,
ठीक है, ये देखें, और साथ में गंदम के दाने भी रखे हुए हैं फ्रेंड्स। तो अभी जो है ना बाकी रस्म बराती है जो परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। शादी में ये देख लें, बराती है जो है ना घर से कुछ तपाशे वगैरह और कुछ मतलब विध के तौर पर ना कुछ चीज़ें लेके आते हैं जो कि दुल्हन के घर वालों को देते हैं खाने के लिए, ठीक है। ये देख लें, अभी जो है ना वो परात में ना ये चीज़ें रखेंगे, ठीक है, पताशे और कुछ टाफियाँ हैं और काफ़ी कुछ छुआरे वगैरह काफ़ी कुछ है, ठीक है। अभी देखते हैं जी, ये देखें फ्रेंड्स, ये पताशे हैं, ठीक है, थाली भर के देंगे और बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो उसके बाद बाकी जो वो शापर में लेके आए हैं टाफियाँ वगैरह वो भी डालते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये देख लें जी। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये दुल्हन वालों की तरफ से एक भेंट होती है, ठीक है, उसमें ये कुछ खाने के लिए चीज़ें होती हैं जो कि उनको देते हैं, ठीक है, ये देख लें जी। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आज जो मैं आपको शादी दिखाने वाला हूँ ये शायद किसी ने पहले आपको नहीं दिखाई होगी, क्योंकि दिन के टाइम में पाकिस्तान में ये पहली एक शादी हो रही है जो कि दिन के वक्त हो रही है, बाकी शादियाँ जो हैं पाकिस्तान में रात के वक्त होती हैं, ठीक है। हिंदू विलेज में ये शादी है फ्रेंड्स, तो पुअर विलेज है, इसी वजह से जो है ना मतलब गरीबी हालात में कुछ इस तरह की शादी होती है, ये देख लें, ठीक है, ये टाफियाँ वगैरह अभी सजावट जो उसकी करनी थी कर ली, और उसके बाद ना अभी दूल्हे वाले कुछ पैसे रखेंगे इसके ऊपर, वो देख लें जी, ये कुछ पैसे हैं, ये देखें पैसे वगैरह रख दिए गए हैं, और अभी ये उठा के दुल्हन वालों को दे दिए जाएंगे। फ्रेंड्स इस भेंट के अलावा जो बारात है वो दुल्हन के लिए कुछ कपड़े और वरी वगैरह लेके आई है, ठीक है, और बाकी कुछ मेकअप का सामान वगैरह भी है, ठीक है, पार्लर का सामान साथ लेके आए हैं। दूल्हे वाले देते हैं जी दुल्हन वालों को पार्लर का सामान और बाकी वरी वगैरह दुल्हन की, तो अभी गिनवाएंगे जी, वरी वगैरह भी दिखाते हैं आपको, ठीक है, और चूड़ियाँ वगैरह जो भी कुछ दुल्हन पहनती है वो वाली चीज़ें जो है ना दूल्हे वाले ले के आते हैं घर से, ठीक है। तो इस पेटी के अंदर लेके आए हैं जी फ्रेंड्स, जी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है, ये है जी मेकअप वाली जो है ना संदूकची है छोटी सी जिसमें मेकअप का सामान है, ठीक है, और बाकी ये इसमें शायद चूड़ियाँ वगैरह होंगी डब्बे में, तो अभी दिखाएंगे, देखते हैं जी। तो अभी खोल रहे हैं, खोल के आपको दिखाते हैं जिसके अंदर क्या है, ठीक है, ये देखें जी, ये चूड़ियाँ हैं दुल्हन की, और बाकी मेकअप का सामान सारा कुछ गिनवाया नहीं है, दिखाया नहीं है, लेकिन चूड़ियाँ और बाकी वो जो संदूकची है ना छोटी सी वो भरी हुई है, ठीक है, उसके अंदर बाकी जो सामान है वो है, ठीक है, और ये जूती है शायद, ठीक है, और ये संदूक भी इसी को दे दिए जी, उठा लें। ठीक है, ये देख लें जी फ्रेंड्स, दो जोड़े हैं आई थिंक, हाँ दो ही जोड़े हैं, ठीक है, दो जोड़े हैं वरी के, ठीक है, अभी ये दे भेज देंगे जी, फिर ये दुल्हन को पहनाएंगे और उसके बाद जो है ना दूल्हा दुल्हन फेरे लेंगे, ठीक है। ये अभी जो बाराती है ना बाकी उसके ऊपर भी कुछ पैसे रख के देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ पैसे जो है ना वो रख के इसके ऊपर देंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चूड़ियाँ और वरी का सामान बाकी जो है इसी के अंदर है। ये देखें जी, एक येलो कलर का सूट है और दूसरा जो है ना वो पिंक कलर का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सारी इसमें बाकी हो चुकी हैं और अभी दूल्हा दुल्हन को बुला लिया गया है जी इनको फेरे के लिए, ठीक है, फेरे लेंगे वो हवन कुंड के इर्द गिर्द। और ये देखें जी, ये दूल्हे की सास होती है जो कि कुछ रस्म करती हैं, ठीक है, ये देखें, मतलब एक तरह से ना दूल्हे की पूजा होती है इधर पहले, ठीक है, तो ये देख लें, ठीक है, आरती वगैरह दूल्हे की पहले उतार लेनी है और उसके बाद दूल्हा जी दाखिल होगा चामरी के अंदर,
जिस जगह को फ्रेंड जिस जगह पे ना फेरे लेते हैं उस जगह को हम चावरी का नाम देते हैं, ठीक है। ये देखिए, और अभी जो है ना दूल्हे की सास वो दूल्हे के ऊपर ये पानी देख लें, हमारे पानी घुमाने के बाद थोड़ा थोड़ा इधर उधर गिरा देंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, ये भी एक रस्म होती है, सही है। और उसके बाद ये देखें जी, ये दुल्हन के अब्बू हैं, दुल्हन के अब्बू जो हैं वो भी मतलब हवन कुंड को सलामी पेश करते हैं और उसके बाद कुछ पैसे पंडित जी को देते हैं। और ये दूल्हे के वालिद हैं, ठीक है, कि दूल्हे के अब्बू हैं वो भी जो है ना मतलब ये जो हवन कुंड बनाया गया है उसको सलाम पहले करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ पैसे जो हैं पंडित साहब को देंगे और उसके बाद फेरे वाली रस्म होंगी। तो फ्रेंड्स ये रस्म हो चुकी है और उसके बाद अभी ये देख लें जी, दूल्हा और दुल्हन को हवन कुंड के इर्द गिर्द फेरे के लिए बुलवाया गया, ठीक है। आगे दुल्हन होगी और पीछे दूल्हा होगा और सात फेरे जिनको सात बंधन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अभी ये दूल्हा और दुल्हन सात फेरे लेंगे और पंडित साहब साथ साथ कुछ मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लें, तो फ्रेंड्स वीडियो जबरदस्त होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने। ये देख लें, ये दूल्हे की सजावट आप देख लें, पैसों का हार पहनाया हुआ है दूल्हे को। ये देखें जी, ये हवन कुंड में दीपक वगैरह जलाए गए हैं और इर्द गिर्द वाले बाकी बाराती है और दुल्हन के जो रिश्तेदार वगैरह हैं ना बारात में आए, इधर शादी में शामिल हुए हैं, तो वो इनके ऊपर फूलों का छिड़काव कर रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, ठीक है। ये फूल बरस रहे हैं, ये देखें, तो फ्रेंड्स जैसे सात फेरे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ना मतलब दाज गिनवाना और दहेज वगैरह बाकी कुछ भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देख लें जी, अभी ये तकरीबन फेरे जो है ना वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स दूल्हा दुल्हन के फेरे हुए कंप्लीट और फेरे कंप्लीट होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को जो है ना एक साइड में बिठा दिया गया, ठीक है। अभी कुछ देर के लिए दूल्हा और दुल्हन इधर बैठेंगे और बाकी लोग जी खड़े हुए हैं और उसके बाद चलते हैं जी अभी बारात की तरफ। तो इधर जो है ना बारात को खाना देने का सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी बारात को खाना देंगे, ठीक है। बाराती है जो खाना देंगे, इधर देख लें जी, ये रोटियां वगैरह हैं, ठीक है। और इधर जो है ना देग सालन पकाया हुआ है, ठीक है, चिकन ही पकाया हुआ है फ्रेंड्स, ये देख लें, ठीक है। और ये प्लेटें हैं जिसके अंदर डाल के दे रहे हैं, ठीक है, ये देखें। और चलते हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर लोग किस तरह से बैठ के खा रहे हैं, ये देखें फ्रेंड्स, ठीक है। चारपाइयों के ऊपर ही इनको खाना दे दिया गया है क्योंकि बंदे कम थे, मतलब बाराती जो है ज़्यादा नहीं आए हुए थे, इसीलिए उनको चारपाई के ऊपर बिठा के खाना दिया गया, ठीक है। ये देख लें जी, और बाकी जो इंतज़ामिया हैं वो घर के लोग हैं जो इनको खाना खिला रहे हैं, ठीक है। इस प्लेट में नमक ले के फिर रहे हैं ये भाई, ठीक है। तो देखते हैं जी, इसके बाद जो है हम दहेज गिनवाएंगे, वो बारात दुल्हन के घर वाले मतलब के दहेज जो अपनी बेटी को देते हैं वो गिनवाएंगे, ठीक है। इधर दूल्हा साहब भी बैठ के खाना खा रहे हैं और इधर बाकी बाराती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देख लें जी, कुछ इस तरह का सिस्टम होता है जी हिंदू शादी के अंदर, ठीक है। ये देखें, ये इधर से रूम में से जो है ना खाना लेके निकल रहे हैं और बाकी जो बाराती बैठे हैं उनको दे रहे हैं। इधर बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देख लें, ठीक है। ये घर के ही बच्चे हैं, ठीक है। और अभी बारी आती है जी दहेज गिनवाने की, तो दुल्हन वालों ने जो अपनी बेटी को
जो दहेज दिया ना वो फ्रेंड्स ये वाला, ये देख लें जी, चाबियाँ वगैरह और कुछ सिरहाने और बिस्तर वगैरह, पेटी ये देख लें, इसके अंदर कुछ परांदे और ये देख लें ये पेटी है, और बाकी सामान इसके अंदर से अभी निकाला हुआ है क्योंकि बारात को दिखाना है, और दिखाने के बाद जो है ना इसके अंदर डाल के पैक करके इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये देखें बिस्तर वगैरह और पेटी, संदूक चे हैं छोटी छोटी, ये देख लें जी, ये देखें। तो फ्रेंड्स ये एक चारपाई भी जो है ना दी है दहेज में, ठीक है, ये वाली चारपाई है। बेड नहीं देते फ्रेंड्स इधर जो है ना दहेज में, चारपाइयाँ देते हैं तो क्योंकि बेड ज़रा महंगा है और पाकिस्तान में महंगाई आपको पता है पहले से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हिंदू जो शादी है ना उसमें वो मतलब साझा तरीके से ही कर लेते हैं। इधर ये देख लें, ये शीशा वगैरह है। ठीक है, सादा तरीके से इधर हिंदू शादी कर लेते हैं क्योंकि महंगाई में इतने जो अखराजात हैं वो अफोर्ड नहीं होते। और अभी जो है ना दहेज बारात को दिखाने के बाद पैक करके दे दिया गया। तो फ्रेंड्स इधर जो है ना एक और रस्म होगी जिसमें ना दूल्हे के छोटे जो साले होते हैं वो दूल्हे को मतलब कुछ खिलाएंगे। ये मिठाई रखी हुई आगे, ठीक है, तो दूल्हे के छोटे साले जो है ना तो वो इनको पहले कुछ खिलाएंगे अपने हाथ से। ठीक है, ये देख लें, और उसके बाद बारी आएगी जी दूल्हे की सालियों की, तो वो भी कुछ ना दूल्हे से करवाएंगे। ठीक है, दूल्हे से कुछ ऐसा टास्क देंगे जो कि दूल्हे ने करना होता है। ठीक है, ये देखें फ्रेंड्स सालियों की तरफ से टास्क ये है कि तेल के अंदर ना कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है जिसको उठाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तेल में चिकनाई होती है ज़्यादा, तो वो उठवाया गया है जी दूल्हे से। ठीक है, ये देख लें, ठीक है, एक बार फिर से जी चलें, ये फिर से उठाया गया एक बार, ये सलाम करके वापस ले दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जो है ना शादी कंप्लीट हो चुकी है और ये दहेज का सामान है वो इस रिक्शा के ऊपर लाद दिया गया। ये देखें लादने के बाद दो चारपाइयाँ मिली हैं यार, सॉरी मैंने आपको एक दिखाई थी, लेकिन ये देख लें जी अभी इसको बांध दिया गया है और अभी जो है ना बारात वापस रवाना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार।